नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। इस समय का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो अभी कोरोना कर्फ्यू लगने वाला है आज शाम 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक, इस दौरान कुछ नई गाइडलाइन आई है जिसमें कि ये बताया गया है कि कौन कौन सी दुकानें इस अवधि के दौरान खुल सकती हैं और कौन सी दुकानें इसमें बंद रहेंगी। इनमें सबसे पहली चीज जिससे की परमिशन दी गई है इस लॉकडाउन के दौरान खुलने की, वो है केमिस्ट की दुकान, मेडिकल शॉप्स, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स, एलपीजी आउटलेट्स, पेट्रोल पंप्स, ये सब जो है ये खुले रहेंगे। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं जिसमें कि एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स, इंप्लीमेंट्स और टूल्स मिलने वाली दुकानें हैं, वो भी सारी दुकानें इस लॉकडाउन के दौरान खुली रह सकती हैं। एटीएम्स खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो है वो उस तरह से काम करते रहेंगे। हालांकि जर्नलिस्ट के लिए ये गाइडलाइन जरूर आई है कि उन्हें अपना आई कार्ड अपने पास रखना है, जब वो घर से बाहर निकले तो इस लॉकडाउन के दौरान उनके पास उनका आई कार्ड होना चाहिए, उसे ही पास माना जाएगा। साथ ही साथ ई कॉमर्स और होम डिलीवरी जो है एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की, उसे भी इजाजत दी गई है कि वो इस लॉकडाउन अवधि में अपना काम कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स जो है वो होटल्स के अंदर वही काम करेंगे जो गेस्ट वहां पर रह रहे हैं उन्हीं के लिए, और जो डिलीवरी सिस्टम है उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। और ये भी कहा गया है कि कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कि सिर्फ 4 घंटे के लिए खुलेंगी, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक इस लॉकडाउन अवधि के दौरान। वो दुकानें कौन सी हैं? ग्रोसरी शॉप्स जो होंगी वो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक खुली रह सकती हैं। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वालों की जो दुकानें हैं वो भी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। साथ ही साथ जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की बिक्री करते हैं वो भी सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। बेकरी, मीट और चिकन शॉप्स जो हैं वो भी सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुली रहेंगी, और उसके बाद की दुकानें बंद कर दी जाएंगी क्योंकि अभी लॉकडाउन कर्फ्यू जो है वो सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी को भी कोई भी गाइडलाइन या हेल्प की जरूरत है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल रूम जिसके नंबर है 0191571616 या फिर 0191257 1912 पर, इस पर 24/7 कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं या कोई क्वेरी है कोविड को लेकर तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी चैट करके उस क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 8825081695। अगर आपको कोई सिम्टम लग रहे हैं या आपको कोविड के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर या इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं एक बार फिर व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर रही हूँ, 8825081695। तो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नई गाइडलाइन इशू की है जो कि अभी 7 बजे से कर्फ्यू इम्पोज हो जाएगा, उस दौरान कौन सी दुकानें खुल सकती हैं और कौन सी दुकानें बंद रहेंगी और कौन सी दुकानें सिर्फ 6 से लेकर 10 मिनट तक खुली रहेंगी, ये पूरा इन गाइडलाइंस में बताया गया है। बेकरी शॉप्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुले रहेंगे, और पूरा दिन जिनको खुलने की इजाजत है उसमें केमिस्ट शॉप, मेडिकल शॉप्स, ये सब जो हैं ये सुबह से लेकर शाम तक खुली रह सकती हैं। लेकिन जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स हैं, ये सिर्फ 4 घंटे के लिए ही इस लॉकडाउन अवधि के दौरान खुलेंगे, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यही था कि नई गाइडलाइंस शुरू हो चुकी हैं और आज शाम से ही 7 बजे से ये जो कोरोना कर्फ्यू है ये स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।